देखो दोस्तों, ये हमने जो पहला भाग देखा था रनिंग का, अब हमें इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग करना है। तो हमने पहले क्या किया, देखो ये जो रनिंग वायर है इसके ऊपर ये टेप चिपका दिया है। देखो अब हमें इस पर स्टार्टिंग वाइंडिंग डालना है, तो इसके साथ टच में ना आ जाए इसलिए हमने इसको कॉटन टेप चिपका दिया है। ये हमारा दोनों कनेक्शन निकला है, ये रनिंग का है। देखो ये दोनों कनेक्शन, यहाँ हमें दोनों में रेड कलर का वायर यूज़ करना है। अब हमें जो स्टार्टिंग कोयल आएगी उसमें हमें दो सिरा निकल कर आएगा ऐसे ही, इसमें हमें ब्लैक कलर का वायर यूज़ करना है। तो चलो हम इसकी कोयल बना लेते हैं, बाद में इस कोयल को किस तरह से इसमें डाली जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये हमने 47 सेंटीमीटर की कोयल का नाप लिया है। देखो देखो, इसमें हमें 35 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ करना है। देखो हमने जीरो सेट कर दिया है काउंटर मीटर पे। देखो ये हमने 780 टर्न लगा लिया है। देखो इस तरह से आपको टेप लगा देनी है और फिर इसको इस तरह फिर से कंटिन्यू करना है और 780 टर्न फिर से लगाना है। देखो हमने फिर से 780 टन लगा लिया है। देखो दोस्तों, अब हमें कोयल को किस तरह से डालना है। देखो ये जिस तरह हमने रनिंग की कोयल डाली थी उसी प्रकार हमें हमारे साइड में ये तार, जो अलग तार है कोयल का पहला, वो हमारे साइड में रखना है और दूसरी कोयल के साथ में जो कनेक्ट वायर है वो इस तरह से रखना है और इस तरह से आपको कोयल को डालना है। और इसकी पीस है वो ये 1 से 6 की पीस आएगी। धीरे धीरे से तार टूट ना जाए इस तरह से आपको ये कोयल डालनी है। देखो ऐसे, और यहाँ भी देखो ये पहला स्लॉट खाली है उसमें डालना है। यहाँ भी हमने पहला खाली था उसमें डाली है। ये आमने सामने है दोनों रनिंग के कोयल है, उसके बीच में सामने यहाँ डालना है। तो देखो मैं ये तार है इस तरफ रखना है। देखो इस कोयल को हमने 1 से 6 की पीस में डाल दिया। अब हमें इस कोयल को टर्न लगाना है। देखो मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ कैसे टर्न लगाना है। देखो ये कोयल है, इसको हमें ऐसे टर्न लगाना है इस तरफ और इसे ऐसे डाल देना है ऐसे। देखो इस ये भाग है ये सामने चला जाएगा और इस तरफ का जो भाग है वो इस तरफ चलाएगा ऐसे। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर का स्लॉट खाली है वो हमने कॉइल डाली है उसके बाजू वाला स्लॉट में डालना है।
देखो ये हमने एक साइड का जो भाग है वो डाल दिया है। देखो अब हमें इस तरफ भी ऊपर का जो स्लॉट है खाली उसमें डालना है। एक ऑयल जो हमने डाली थी उसका ऊपर का स्लॉट है ये, इसमें डालना है। चलो मैं डाल लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमने स्टार्टिंग की एक कोइल कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, स्टेटर को उल्टा कर देना है ऐसे। देखो अब हमें ये दूसरी कोइल है वो डालनी है, इसको भी हमें ऐसे ही रखना है। देखो ये कोइल का इस तरफ का जो सिरा निकल कर आया है वो देखो बीच में जो तार है वो इस तरफ से इस कोइल में जा रहा है, देखो इस तरफ से, और ये दूसरा जो तार है वो ऐसे निकल कर आ रहा है इस साइड से। तो हमें कोइल को इस तरह से रखना है, देखो ऐसे तार है वो सामने स्लॉट है खाली उसमें चला जाना चाहिए। तो हमें ऊपर से क्या करना है, एक स्लॉट को खाली रख देना है और नीचे वाला स्लॉट में डालना है। देखो इस तरह से डालना है हमें कोइल को, और तार है ये टूट ना जाए इसका भी पूरा आपको ख्याल रखना है। जो हमने रनिंग कोइल डाली थी उसी प्रकार ये डालना है। अब ये वायर थोड़ा सा लूज रहे इस तरह हमें कोइल को सेट करनी है। देखो ऐसे, देखो इतना सा लूज रखना है इस तार को ऐसे। देखो ये इस तरह से थोड़ा सा लूज रखना है। क्या करना है, इस कोइल को पहले कोइल डाली थी वैसे ही ये टर्न लगाकर इस तरह से टर्न लगाकर डालनी है। और जो एक एक स्लॉट दोनों साइड में खाली बाकी है उसमें डाल देना है। चलो तो मैं दोनों साइड डालकर आपको दिखाता हूं। देखो ये स्टार्टिंग की दोनों कोइल कंप्लीट हो गई है। देखो ये हमारा दोनों साइड कंप्लीट हो गया है। देखो दोस्तों हमने इस दोनों कोइल को भी बीच में टेप लगा दी है। देखो देखो कितना अच्छा सा रिवाइंडिंग हुआ है। देखो ये अब चार लीड यहाँ निकल कर आई है, ये आमने सामने है दो, ये और ये स्टार्टिंग का निकल कर आया है और ये दो रनिंग का है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ नॉलेज मिला है इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ, और इस वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं।